last. Du warst damit. Du hast. Du gelast. Wie ob er denn doch. मैंने कहा था इसे जान से मत मारना। ओए जिंदा है साहब, ये देखो। चॉकलेट ग्रेट फोर सेमटेक्स, इस कारखाने को उड़ाने के लिए इतना ही काफी है और ये छे छे लेके घूम रहा है। जबान नहीं खोली तो आप मुझे मार देंगे, खोली तो क्या देंगे? सीने पर मेडल चाहिए हिंदुस्तानी कुत्ते। सकता हूं सर, बाहर एक इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं, वो भी आर डब्ल्यू का एजेंट है। अरे कहां ले जा रहे हैं? आई एम वेंडिंग का काम करते हैं इधर। क्या साहब, हमको नाम क्या है तेरा? नजीब खान, लियाकत बाजार, क्वेटा। क्या हुआ सर? 3 महीने से हम इधर वेल्डिंग का काम करता है। क्या हुआ सर? अरे हुआ क्या? मेजर राजन सिन्हा, 1 बिहार रेजिमेंट। कुर्ता उतार कर देखिए, दाएं कंधे पर 2 गोलियों के निशान है। इधर पिछले साल पीओके में उस्मान कुल का एनकाउंटर इसी ने किया। चल ले जाओ इसे। राजा तो उठ सा। रोका एक और एजेंट इस एरिया में एक्टिव है। हाथ खोलेंगे प्लीज। डेट वो दबाऊ? नाम बताएंगे प्लीज? आप ही का एक गार्ड जिसने मुझे यहां की सारी इंफॉर्मेशन दी। मेरा गार्ड कौन? असली नाम महिंदर साधु, कवनेम अब्दुल अब्बास, याद नहीं। इनमें से कौन है? $50,000 और बॉर्डर तक सेफ पैसेज दिया। बताओ कौन है? पांचवा। नाम क्या तेरा? इस्माइल यूसुफ बशर। ओए पूरा नाम बता अपना। मेरा नाम इस्माइल यूसुफ बशर। पतलून उतारिए, तशरीफ पर 2 गोलियों के निशान मिलेंगे, कारगिल में मिले थे। Oh!
यार नीचे सवार क्लर्क का नीचे मैगजीन्स डालो इसमें नाउ नाउ मूव मूव रशीद जानता था गेस कीजिए लकी गेस अगर मैं बच गया तो तुझे फुर्सत से मारूंगा कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर मेरा पार्टनर का है तो तुझे मेडल मिलता और तेरी बीवी को पेट्रोल पंप कोई आखिरी ख्वाहिश मेरी जान हाँ तेरी दुकान पर लात मारना चाहता हूँ हरामी
आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रही। शुक्रिया। मेरा नाम फरा फकेश, आपका नाम क्या है? Спасибо, Сукров. Нет! Нет! Я вас всех найду! Я вас всех найду! Ты не знаешь моих друзей, они все тебя... Андрей Сухров was found dead in a graveyard outside Moscow early this morning. रूस में माफिया डॉन आंद्रे सुखरोव की हत्या ने एक सुलगते सवाल को हवा दी है कि क्या सुखरोव के पास एक सूटकेस बम था? अगर हाँ, तो अब वो कहाँ है? कहा जाता है कि कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के समय अमेरिका और रशिया ने ऐसे परमाणु हथियार बना लिए थे जिन्हें किसी सूटकेस, ट्रंक या बैकपैक में रखा जा सके। ऐसे बमों की शक्ति 3 से 10 किलो टन तक हो सकती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे वो 20 से 30 किलो टन के थे, लेकिन ऐसे सूटकेस बॉम्ब्स की खासियत ये है कि इन्हें आसानी से स्मगल और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है तथा टारगेट पर या उसके आसपास आसानी से रखा या छुपाया जा सकता है। एक सूटकेस बॉम्ब किसी भी शहर के 3 किलोमीटर तक के दायरे को पूरी तरह तबाह कर सकता है और आगे 10 किलोमीटर तक फैलने वाली इसकी रेडिएशन न जाने कितनी पीढ़ियों को मारती रहेगी। Gentlemen, Sukharov has been killed. I've heard that the suitcase bomb is up for sale. This is what every terror group in the world is looking for. This could start World War III. If this gets into the wrong hands, millions will be killed. I was thinking billions. Today my friend Dmitry's birthday, so we all have one drink, huh? Oi, make drink. में मिलना चाहते थे अबू नाजिर पब्लिक प्लेस को प्राइवेट बनाता है। आई एम इम्प्रेस्ड। सही आदमी चुना है मैंने। तीन दिन के अंदर $50 million कैश चाहिए मुझे मोरक्को में। इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसा, मेरा कमीशन जानते हो? काम क्या जानते हो? Пятерка, ну. Ну о чем ты думаешь, красавчик? Ходи давай. ये पैसे मुझे 3 दिन के अंदर मोरक्को में चाहिए। कोई कांटेक्ट है आपका वहां पर जिस पर भरोसा किया जा सकता है? एक ही आदमी है जो तुम्हारा ये काम कर सकता है।
डॉलर कैश मैं कल आपको दूंगा। उन्हें बस 242 खरीदना होगा। 242। अबू साहेब, 242 के बारे में बात करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि एक पोटैटो चिप में कितने कैलोरीज होते हैं? 20। और आपने अभी कितना खाया है मेरे सामने? I'm sorry, I'm a health freak. और ये आपके सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। Comrades, come. We take drink. Sasha, bring champagne. This is Colonel, my partner and friend. Hi, Five Man Army. When I was a child, I watched a movie called The Five Man Army. Your boss, Abu, reminds me of Bud Spencer. सुखशी सो जा। हाँ? जापानीज बताया तो थप्पड़ मारूंगी। क्या मतलब? हेलो विनोद, परेशान लग रहे हैं सर। इसे पहचानते हो? अबू सैयद नाजिर, एरिया ऑफ ऑपरेशन सेंट पीटर्सबर्ग, मेन बिजनेस ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन, ऑल्सो हवाला एंड मनी लॉन्ड्रिंग, रशियन माफिया और लश्कर जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच का सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट। राजन हैंडल कर रहा है, राइट? पिछले 3 महीनों से राजन इसका बॉडीगार्ड बना हुआ था, काफी नजदीक पहुंच गया था इसके। था? कल रात राजन का ये मैसेज आया। कोड रेड। फाल्कन 772 हसन नवाज सर। सर मैं एक्सपोज हो चुका हूँ। अब वो किसी कर्नल से मिला, वो कर्नल कौन है मैं नहीं जानता। हवाले से 50 मिलियन USD भेजने की बात हो रही थी सर। इंडिया पे लोग बड़ा अटैक करेंगे सर। बातचीत के दौरान 242 नंबर बार बार लिया जा रहा था सर। ये 242 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आबू के बारे में सारा डेटा है। सेंट पीटर्सबर्ग में तुम्हारी कांटेक्ट तात्या नरेन को। जाओ पता करो राजन की जान क्यों गई। 242 क्या है? एयर इंडिया अनाउंसेस द अराइवल ऑफ में आपका स्वागत है। अबू नाजिर का मिला। डेविड गुलायत 9275465588। या फ्रेडी? या यस सर। अब चाहे वो सो रहे हैं, ओके, मीटिंग में है, अच्छा, या टॉयलेट में है, ओके, तुम इंतजार करोगे, ओके, तुम खुद पर्सनली उनके हाथों में ये नोट दोगे। हाँ हाँ। किसके हाथों में? मिस्टर खजान के। वंस मोर। मिस्टर खजान के। वंस मोर। मिस्टर खजान के। Let it go.
कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछूंगा, 242 क्या है? निकलाइ, पैसा भी उकरा लो, सिंचेस, सिंचेस निकलाइ। डोंट मूव, निकलाइ। आसान सवाल पूछता हूँ, ये गाना पहचान? $50 million को बोला खजान को कुरियर राजनाथ मोरक्को पहुंच रहा है फ्रेडी कपाटा फ्लाइट 2 4 2 क्या है 242 अबू का
बाजूका का साइज है, देखेगा। घर चलोगे कॉफी पीने के लिए? Some other time. I have a flight to catch. There are 10 emergency exits on this aircraft. They are all clearly marked. In an emergency, the floor path lights will illuminate and guide you to the nearest exit. Would you like to have some water? I'm sorry. I'm sorry. Mr. Freddy Kambada. Yes, sir. So sorry. I love your perfume. Oh, I love. I'm on duty, sir. I'm not supposed to be. Perfume pen allowed near me, sir. Oh, 100% natural. 100. I love it. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. I am. Are you okay? Yeah. I'm perfect. Thank you. Not too bad. Oh. Shoot the bastard. Mr. Freddy Kambada. No. Hello, sir. Abu Nadia, aapke liye. Drink, Mr. Freddy. Sure. मेरा जिगरी दोस्त अबू कैसा है? सातवें आसमान पे, फिट है। पहली बार मोरक्को आए हो? जी। वेलकम टू मोरक्को। अरे ये आप क्या कर रहे हैं खजान साहब? अबू ने कहा कि खजान साहब को नोट दो और $10,000 ले लो।
Hey, what the hell are you injecting me with? Are you? कल रात अब्बू का मर्डर हुआ क्या? कौन हो तुम? मैं फ्रेडी खंबाटा हूँ सर. डोज बढ़ाओ. Hey, what the hell? Relax, घबराने की कोई जरूरत नहीं. नाम क्या है तुम्हारा? फ्रेडी. अब्बू को किसने मारा? इतनी जोर से मत मारिए. पूछो इससे. नाम क्या है तुम्हारा? फ्रेडी. तुम्हारी माँ का नाम क्या है? शिरिन. कहाँ रहती है तुम्हारी माँ? मम्मी बरोड़ा में रहती है. बरोड़ा में मम्मी क्या करती है? क्या करती है तुम्हारी मम्मी? स्कूल पढ़ाती है. फोर्थ स्टैंडर्ड. आर्य विद्या मंदिर. तुम्हारी माँ तुम्हें क्या बुलाती है? Look, look at me. क्या बुलाती है मम्मी? गुस्से में क्या बुलाती है तुम्हें? गुस्से में तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या बुलाती है? बोलो ना. क्या बुलाती है तुम्हें? विनोद. विनोद? तुम्हारा नाम विनोद है? विनोद खन्ना. अमर. ऋषि कपूर. अकबर. अमिताभ बच्चन. एंटनी. मम्मी के साथ अपोलो टॉकीज में देखा था मम्मी के साथ. माय नेम इज एंटनी गोंसाल्वेस. मैं दुनिया में अकेला हूँ. क्या बक रहा है ये? जोर बढ़ाओ. दिल बिल हराम. जस्ट रिलैक्स. स्टॉप. सिट डाउन. सिट डाउन. एक्सक्यूज मी प्लीज. अब्बू को किसने मारा? रशियस ग्रेटेस्ट लव मशीन. किसने मारा अबू को? अबू को किसने मारा? कौन हो तुम? Who killed अबू? अरे बोलो ना. कौन हो तुम? अबू को किसने मारा? बोलो. कौन हो तुम? रिलैक्स. अबू को किसने मारा? कौन हो तुम? मैं रॉय एजेंट. अबू को मैंने मारा. Rasputin, lover of the Russian queen. It was a shame how he carried on. Rasputin. पैसे मिल गए? पैसों को मारो गोली. जानते हो तुमने क्या कहा? क्या कहा मैंने? तुमने अब्बू को मारा. तुम रॉय एजेंट हो. मैं रॉय एजेंट हूं? कितना पेंट तोल दिया मुझे मैडम? 50 ml. थैंक्स. हाँ, मैंने अब्बू को मारा क्योंकि उसके घर में एक रॉय एजेंट था. उसका बॉडीगार्ड महीम मुर्तजा. असली नाम राजन सिन्हा. किसके लिए काम करते हो तुम? आप किसके लिए काम करते हैं? यू नो वी नॉट सपोज टू टेक नेम्स, राइट? अबू ढीला पड़ गया था और मुझे यहां भेजा गया ये देखने के लिए कि कहीं डेविड कजान भी तो ढीला नहीं पड़ गया. लेकिन आपने तो मेरी हालत कर दी. वाह कजान साहब. कैन आई गेट अ ब्लडी टॉवल प्लीज? पैसे तो मिल गए लेकिन ये फ्रेडी गड़बड़ लगता है. खत्म कर दो इसे.
आज की रात यहीं रुक जाओ। इरादा क्या है कजान साहब? हाँ? वो डॉक्टर कौन है? रूबी मेंडिस, माय पर्सनल डॉक्टर। रूबी मेंडिस? हाँ। अच्छा नाम है, आपने दिया? मतलब? बाथरूम। क्या? बाथरूम। थैंक यू। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी मैडम, एक्सक्यूज मी। यार बताना चाहिए ना कोई है अंदर। कौन है? आई डोंट नो, कोई लेडी कमोड पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही है। कोई भी तो नहीं? हाँ जी, अरे अभी तो थी। अरे कहाँ गई? वो मैगजीन पढ़ रही थी, ब्लू काफ्तान, गले में एक बड़ा सा नेकलेस और यहां पर एक अजीब सा टैटू, यही तो थी। यही तो थी। माय मदर, गुजरे हुए 22 साल हो गए इसे। क्या क्या था उस इंजेक्शन में? यू नीड रेस्ट मिस्टर फ्रेडी, रेस्ट। साहब को कमरा दिखाओ। गुड नाइट खजान साहब। गुड नाइट। हेलो डॉक्टर रूबी। अगर चक्कर आ रहा हो तो ये गोली ले लेना और कुछ खा लो। दो बोतल पानी पे, लेकिन फिर भी सब कुछ 3D लग रहा है। ड्रिंक? नो थैंक्स। कजान ने बताया तुमने उसकी माँ को देखा? शायद मैंने भूत देखा। क्या तुम भूत प्रेत में विश्वास करती हो? व्हाट नॉनसेंस। 39 डेड, क्या तुम्हें उनके भूत नहीं दिखते जो लंदन बॉम्बिंग्स में मारे गए? I'm impressed. ब्रिटिश जेल से फरार होना, इंटरपोल की आंखों में धूल झोंकना, काबिले तारीफ तो आप हैं मिस इरम परवीन बिलाल। इरम परवीन बिलाल मर चुकी है। मेरा नाम रूबी है। गुड नाइट फ्रेडी। कैमरा के बारे में जानता है? मेरे बारे में जानता है। यस,
लंदन से एक टूरिस्ट ग्रुप अभी लैंड हुआ है, उनमें एक MI6 का एजेंट भी है, शायद 242 के बारे में जानता है। I'm going out for a walk. अगर मुझ पे नजर रखनी है तो डॉक्टर रूबी को मेरे साथ भेजिए। Yeah. मुझे नहीं लगता तुमने वो बॉम्ब। Why do you say that? तुम्हारी आंखें किसी का कत्ल कर सकती हैं, पर तुम नहीं। You don't have the eyes of a killer. काश तुम उस लंदन कोर्ट के जज होते। मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, अपने बारे में भी कुछ बताओ। झूठ मैं बोल नहीं सकता और सच तुम पकड़ लोगी। मैं वही सब करता हूँ जो तुम लोग करते हो, लेकिन टैंजियर्स जैसे रोमांटिक शहर में हम काम की बातें क्यों कर रहे हैं? तुम इतनी सीरियस नहीं होती ना, तो आज शाम को मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करता और खाना खुद बनाता। आई एम अ गुड कुक। मेन्यू क्या है? वाओ, मतलब कि यस, वेल दैट्स अ गुड मोमेंट। अ फोटो से भी प्ले मत कर। Excuse me, mama. Oui. Palu Gongli. Oui, oui. Can you take a photo of me and my wife, please? Yeah. Okay. Freddy, kaisa hai? Khush hai. Richard, my bomb British agent. MI6 ke Middle East section ka in charge. Kuch na kuch ho raha hai, boss. Kahan? Hotel Griffin Spa, room number 430. Photo bhej raha hu. Understood, understood. Photo? Yeah. Not that good. Fountain? Oh, okay. Madam, please. Fountain, please. Ready? Smile. Thank you. Enjoy your honeymoon. Well, shall we? Have lunch. मैं एक बहुत अच्छी जगह जानती हूँ, होटल रिफेन स्पा। ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया? कितनी लड़कियों से ये बात कही है तुमने? तुम्हें मिलाकर 242। 50 million dollars लेकर आए हो 242 खरीदने के लिए। जानते हो 242 क्या है? कजान ने तुम्हें क्या बताया? Excuse me, madam. Voici le menu. Thank you. Thank you.
take that strike from that that sort of angle. मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वापस जाना है. Of course, no problem. पर आज शाम के ऑक्शन पर चलोगी ना मेरे साथ? इंगा मून पेर का सर, आना निंगा कवल पढ़ा देंगो. 242 नम्म कदा वारो. Sir Jagdishpal. Thank you, ladies and gentlemen, for your most generous contributions. I am going to match the sums that have been raised here today, and this money will help in building schools and hospitals in this lovely... Good evening, Kazan sir. Aapka chehra dekh ke tasalli hoti hai ki sab theek hai. 242, the Rubaiyat of Umar Khayyam. 11वीं सदी में लिखी गई मोहब्बत और मुकद्दर की नज़्म है. वेरी नाइस, गुड लक. इसे यहाँ क्यों लाई हो? वो मुझे यहाँ ले आया है. वैसे नजर तुम्हें मुझ पर नहीं, मुझे तुम पे रखनी चाहिए. रिचर्ड के कमरे में मिला, जल्दबाजी में गिर गया होगा. गिरा तो नहीं, पर उठाया जरूर गया है. कौन मुझे? Relax, we're on the same side. Next item is a Uran mask, an emblem of the U tribe. Please. Hello. I'm Jagdish. जी आपको कौन नहीं जानता? Freddy Khambata, Dr. Ruby Mendes. India से. India. पाकिस्तान. करोड़ों की दुश्मनी, दोस्ती भी हो सकती थी, हो सकती है. आप कुछ खास खरीदने के लिए आए हैं? जी इन्हें रुबायत में दिलचस्पी है और मुझे इनमें. I see. Excuse me. Handi rakamma kaiye tattu puduragathil mettu kattu. Hello friends, yahan kya kar rahe hain? सारे टाइगर्स खत्म हो चुके हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? बॉल आइटम नंबर 242. तू कब से पोल्ट्री पढ़ने लगा प्रिंस? 242 क्या है? द नेक्स्ट आइटम अप फॉर ऑक्शन इज लॉट नंबर 242. ए कलेक्शन ऑफ लव पोएम्स फ्रॉम पर्शियन पोएट उमर खय्याम. द ओपनिंग बिड फॉर दिस विल बी $75,000.
$75,000 to the gentleman in the back. Thank you very much. $90,000. $125,000. $100,000. Come on, Prince, come on! $500,000 going once. It's a bomb. Going twice. KB series, Russian. Nuclear bomb. Sold! Lot number 242, the Rubaiyat of Umar Khayyam, sold to Mr. David Kazan for $500,000. Excuse me? Certainly. Is the most valuable sword in today's collection. Ab kahan thi, Mr. Khambata? Ruby aur Rubaiyat dono chali gayi. Thank you. एक्टिवेशन एक रशियन सैटेलाइट के कमांड वैलिडेशन की जरूरत हुआ करती थी, पर हमने अब इसमें तब्दीलियां कर दी हैं। इसमें जो भी पासवर्ड फीड करेंगे वो एक्टिवेशन के लिए काफी होगा। ये उमर खय्याम की रुबाइयत दरअसल एक डेटोनेटर है। डोंट लूज इट। My congratulations, Mr. Kazan. Thank you. And thank you, Dr. Rana, for your contributions. Shukriya. What time is your flight, Dr. Rana? Dr. Rana, this is the best champagne in the world, and you're just drinking water? His job is done. Can you take care of him? फ्रेडी खंबाटा, मुझे कर्नल कहते हैं। यहां क्यों खड़े हो? ज्वाइन द पार्टी। पार्टी खत्म कर्नल। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मेरी मां अगर दोबारा तुम्हें दिखे तो उन्हें मेरी सलाम कहना। ये जो भी है इसकी लाश नहीं मिलनी चाहिए। Hello, my dear. This body is 10 kilometers. Every 10 kilometers, our observation post. Every kilometer, our
हमारी और आपकी भी पूरी। हेलो सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम इफ्तिखार साहब। तेज बारिश में आग भौंक रही है, आप चमन में हैं? माशाल्लाह नवाज साहब, इस उम्र में भी आपके कान वाकई तेज हैं। मुरक्को तक सुनते हैं जनाब। अभी अभी खबर मिली है कि डेविड कजान ने एक न्यूक्लियर बम फेंका। ये खबर कहाँ से मिली आपको? नवाज साहब, यू हैव टू शेयर योर सोर्स विद मी, क्योंकि अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है देन वी नीड टू कोऑपरेट। टेल मी स्ट्रेट जनरल, आर यू इन्वॉल्व? आई हैड नो आइडिया, मुझे कतई नहीं मालूम। अगर मुझे भनक भी पड़ी होती पर खुद आपको फोन करता। देखिए इफ्तिखार साहब, हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दिस कैन नॉट बी द सॉल्यूशन। आई एग्री विद यू। आप मुझे 12 घंटे की मोहलत दीजिए, मैं वापस आपको फोन करता हूँ। खुद आप कैंसिल द इंस्पेक्शन, हम अभी इस्लामाबाद लौटेंगे। कैंसिल माय ट्रिप टू चाइना एंड कॉल एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ ऑल सेक्शन चीफ्स टुमारो, स्पेशली सेक्शन की। ओके फाइन। इफ्तिखार साहब के कॉन्वॉय को तुरखम बॉर्डर पर ले जाओ और रॉकेट लॉन्चर से गाड़ी उठा दो। حميد برا، حميد جيب لي برا عزيز، حميد صار يصير مصعب، حميد Keep you posted, sir. Breaking news. ISI Chief Iftikhar Ahmed ki bomb blast mein maut. कौन हो तुम? I'm Freddy. Freddy Kambada. What? मैं अगर तुम Freddy हो, तो वो कौन है? तो तुमने उस दिन सच कहा। You are a raw agent. कर्नल कौन है? बॉम्ब कहाँ है? वही पता करने में यहाँ आई थी।
मुझे लगा तुम उसके बारे में जानते हो। बॉस ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। बॉम कहाँ है? आई एम ऑन योर साइड। मैं ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम करती हूँ। और तुमने उस ब्रिटिश एजेंट को मारा? मैंने रिचर्ड को नहीं मारा, वो मेरा हैंडलर था। मैं उसे तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन देने गई थी, तुम्हारा चेहरा दिखाने गई थी। लंदन में तुमने 40 लोगों को मारा है। गाड़ी से उतरकर तुम मुस्कुरा रही थी। यू आर स्माइलिंग। मैं मुस्कुरा रही थी क्योंकि मैं खुश थी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे। बॉस तुम ये बकवास क्यों सुन रहे हो? उन 40 लोगों की मौत की जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मेरे अपने दोस्तों ने मेरी गाड़ी में बॉम्ब रखा था। मैं उनका इंतजार कर रही थी। अगर मुझे भूख नहीं लगती और मैं बाहर नहीं जाती तो मैं भी ब्लास्ट में। जब उस ग्रुप से पाकिस्तान में एक पकड़ा गया तो आईएसआई चीफ इफ्तिखार अहमद मुझसे मिलने आए। उनको यकीन हुआ कि मैं बेकसूर हूं। उन्होंने रिचर्ड को कन्विंस किया। उन दोनों ने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, मगर मुझे उनके लिए काम करना पड़ेगा। मुझे जेल से भगाया और मुझे मोरक्को भेजा गया, कजान के पास। कजान टेररिस्ट से ड्रग्स खरीदता है और आम सप्लाई करता है। तो अब तुम आईएसआई एजेंट हो? मैं सिर्फ इफ्तिखार साहब को रिपोर्ट करती हूँ। वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ। पिछले हफ्ते मैंने मॉस्को से अबू नाजिर का फोन इंटरसेप्ट किया था कि फ्रेडी खंबाटा आ रहा है $50 million लेकर। मैंने रिचर्ड को बताया, इसलिए वो यहाँ खुद आया। ये सब तुम साबित कर सकती हो? इफ्तिखार साहब से बात करो, वो मुझे जानते हैं। इफ्तिखार अहमद इज डेड। वो मर गए। और रिचर्ड भी। उन दोनों के अलावा तुम्हारी कहानी साबित करने के लिए और कोई नहीं बचा। और अब तुम जाहिर। ये उनका आदमी है, अब तुम्हारे बारे में जानता है। शूट हिम। नहीं, मैं किसी की जान नहीं ले सकती, इसकी भी नहीं। मैं नहीं जानती वो बॉम्ब कहाँ है, लेकिन उस बॉम्ब का ट्रिगर वो किताब है। रुबायत के बिना बॉम्ब बेकार है, और इस वक्त रुबायत कजान के सेफ में है। मुझ पर यकीन करते हो तो मुझे जाने दो, मैं उस सेफ का कॉम्बिनेशन जानती हूँ, वरना खुद जाओ। पर खुदा के लिए उस रुबायत को निकालो वहां से। झूठ बोल रही थी, तुमने उस पर भरोसा कर लिया? वो सच बोल रही थी। गोल्डन फायर रेस्टोरेंट में मिलो 20 मिनट में। हाँ।
Goodbye to Morocco. Indian? Yeah? I'm Suresh Krishna. अरे क्या बात है, मेरा नाम भी सुरेश कृष्णा है. वैसे मैं यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करता हूँ, डेप्यूटी हेल्थ कमिश्नर फॉर अफ्रीका. Hey, क्या मजा कहिए, I'm the डेप्यूटी हेल्थ कमिश्नर फॉर अफ्रीका. We need to ask you some questions, Mr. Shastri. How are you feeling? I'm hungry. We found Mr. Kazan's address in your pocket. He's dead. His house is burgled. Shukran. How do you know him? I met him at an auction. Never seen him before that. But Mr. Shastri, I'll officers. I'll see you in some time. Yeah. Good morning. Morning, Doctor. Three bullets. And you're still alive. You're a very lucky man, huh? Do you believe in luck? Well, if I believed in luck, I'd be dead a long time ago, Doctor. I see, huh? Do you believe in luck, Doctor? Where is she? Riga!
जानते हो दोनों कहां गए? अपने आप को कासानोवा का पोता समझता है, शराबी है, लॉन्डीबाज है, एक गंदी आदत और है, ईमानदार है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी का इंचार्ज है, उसके वॉलेट में एक सिक्योरिटी पास कार्ड है जो मुझे चाहिए। कल दोपहर 2 बजे तक हमारा काम हो जाएगा, तब तक तुम्हें इसे एयरपोर्ट से बाहर रखना हो। तो आज रात आई होप यू डोंट माइंड। गेट लॉस्ट, I'm not your property. Bloody reptile. I just want to die. No, actually, I just want to get drunk. Sorry. No, that's okay. That's fine. Give me, please, another one. What do you want? Just get lost. Okay, sorry. Please. Thank you. Anton Breger. Josie. अभी तीसरे कसीनो से बाहर निकले हैं। 3-4 लाख जीत चुका है। बोलता है मैं उसके लिए लकी हूँ। अब मुझे घर ले जाना चाहता है। 2 घंटे और हमारा काम हो जाएगा। उसे होटल रीगा ले जाओ। 405 जोशी के नाम बुक्ड है।
मेरी जा मैंने कहा, मेरी जा तूने सुना, मेरी जा मैंने कहा। हेलो, एक्सक्यूज मी, हाँ वो ब्रेगा तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गया है। He is about to jump on me. Relax. मिनी बार खोलो, अंदर एक चॉकलेट बॉक्स है, दो चार खिलाओ, 6-8 घंटे के लिए आउट हो जाएगा। और पैकेज? देखना चाहती हो? जैसे सो जाता है तुम निकलो। ओके फाइन। गोल्डन फेरा में तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। थैंक गॉड तुम जिंदा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मेरी बात तो सुनो, कर्नल मेरा फोन। कर्नल कहाँ है? मैं अभी उसी से बात कर रही थी। बॉम्ब शहर में आ चुका है, अंदर जो आदमी कमरे में है वो एयरपोर्ट। Time for a little chat, Colonel. You okay? Get me out of here! Get here! Now! Извините, пожалуйста. Вы можете мне помогать? Домина? Спасибо. Тум जानना नहीं चाहते कि मोरक्को में मैंने क्यों? शायद तुम्हें मेरे जूते पसंद नहीं हैं। कर्नल कजान को मार चुका था, मुझे भी मारने वाला था। फिर अचानक मैंने देखा, एक मिनट के अंदर फ्रेडी खंबाटा उसे बता देता कि तुम जिंदा हो। जिसे तुम फ्रेडी खंबाटा समझ रहे हो वो एक रॉय एजेंट। मैंने सोचा अगर उसे पहले मैं बता दूं तो शायद कर्नल मुझ पे भरोसा करेगा, मुझे अपने प्लान में शामिल करेगा। हम में से बॉम्ब का पीछा करने के लिए कोई तो बचेगा। एक मिनट,
कर्नल ने मेरा फोन ले लिया था। मैंने एयरपोर्ट के बाथरूम से किसी का फोन छीन कर तुम्हें बहुत ट्राई किया। What is this? What is that? Where do you get what this? What is that? I don't know. This what tracker. I don't know. I tell you, I don't know.
X-ray machine number 311. शहर के अंदर ले आने के लिए नहीं, बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ब्रेगा की मौत के बाद पिछले 3 घंटों में 13 फ्लाइट यहां से निकल चुकी हैं, जो लैंड होने के बाद ही चेक की जाएंगी। पहले से खोज पगवारी इस नहीं में। यहां की पुलिस आप दोनों से पूछताछ करना चाहती है। मॉस्को और मोरक्को की पुलिस भी पूछताछ करना चाहती है। आप कतार में है। चाबी। I'll be in touch, sir. Mr. Khanna, कहाँ है वो दोनों? सुना है कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है। जब भी मौका मिले रिचार्ज, बैठो कुछ खा लो। क्या सोच रही हो, आगे क्या होगा? घबरा मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। नई आइडेंटिटी, पासपोर्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मनी, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे? मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। मेरे अब्बा चाहिए, जो मर गए थे जब मैं जेल में थी। मुझे वो क्लिनिक चाहिए जिसके दरवाजे पे लिखा हो डॉक्टर इरम परवीन बिलाल। एक घर चाहिए, हस्बैंड चाहिए जो मेरा दीवाना हो, बच्चे चाहिए, एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए, एक ऐसा जहां चाहिए जिसमें ये रुबायत सिर्फ एक खूबसूरत पोइट्री की किताब हो, न्यूक्लियर बॉम्ब का डेटोनेटर नहीं। तो इसके अंदर एक सर्किट है जो बॉम्ब को एक्टिवेट करता है। मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है, वो भी ले लो। कर्नल कल रात को किसी से फोन पे बात कर रहा था। 28 तारीख को तैमूर पाशा के साथ मीटिंग है होटल गजीबो में। होटल गजीबो कराची में है। मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। क्या मैं जा सकती हूं? कहां जाओगी? कहीं भी। मैं पेंटर बनना चाहता था, सोचा था फेमस बनूंगा, पहाड़ों में घर होगा, पेरिस में एग्जीबिशंस होंगे, 5 बार शादी करूंगा और अलग अलग शादियों से अलग अलग बच्चे होंगे। पर वो केबल टूट गया। क्या? रोपवे का एक केबल टूट गया। हम मसूरी में स्कूल ट्रिप पर थे, सारा कैबिन एक ही केबल पर हवा में छूल गया, नीचे 2000 फीट की खाई। इससे पहले कि दूसरा केबल टूटता और सारे लोग मरते, मैं ऊपर चढ़ गया।
आठ मिनट तक रस्सी पर लटकता रहा, केबल लॉक किया। मैं 15 साल का था। प्रेसिडेंट वेंकटरामन के हाथों मेडल मिला, उन 8 मिनटों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं बार बार जाना चाहता था जिंदगी और मौत की बीच की उस जगह पर। मैं आज भी उसी केबल से लटक रहा हूं, हाथ छूटा तो दिल्ली में एक मोहल्ले के कुत्ते जब रात को जोर जोर से भौंकते हैं तो दूसरे मोहल्ले के कुत्ते क्या करते हैं पता है? गुड इवनिंग सर। सर हमें एक घंटे में एयरपोर्ट जाना है। आप लंदन जा रहे हैं, वहां पर आपका एम्बेसी में इंतजार कर रहे हैं। आई गॉट ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन हियर, पासपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम मनी। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई क्लियर द टेबल? पदास्ते मिनी। हाँ सर। Спасибо. 5 minutes, Siram. I have a flight to catch. Kill them. Sir, main lobby mein wait karta hoon. Okay. Rajesh. किधर है सर? किधर है? आई हैड नो ऑप्शन। कितने लोग हैं बाहर? Подожди. Гузарта сама. Нет, я же сама.
Welcome to Somalia. Thank you. You got anything for me? Take the plane. Obi-Wan there! वेलकम टू पाकिस्तान सर। यहाँ आने की कोई ख़ास वजह? लास्ट में इनके नाना जान का इंतकाल हो गया। आप ज़रा जल्दी करेंगे तो जनाजे में हम शामिल हो सकेंगे। शुक्रिया भाईजान। एनी टाइम सर। नेक्स्ट प्लीज। अलैकुम। About it. You were fantastic. 15 साल बाद लौटी हूँ। आगे सिलेट में मेरा घर था। यादों की बारात को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। एक घंटे का रास्ता है। जितना चाहे रो लो। आप इन्हें कहीं छुपा सकती हैं? माशाल्लाह, ये चेहरा छुपाने के लिए है। साथ मिलकर महफिल को लुटेंगे दोनों। क्यों?
यू तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा तक ब्लूबर्ड को पैकेज की डिलीवरी हो जानी चाहिए। क्या है इस बार? वही जो हमेशा। बोर नहीं होते तुम लोग? बोर हो गया मैं। सुबह तक ब्लू बर्ड को दिल्ली में डिलीवरी हो जानी चाहिए। दिल्ली में, समझ गया? रखता हूँ। सिक्योरिटी है कौन? ये लड़की इंटरपोल है, इंडियन गवर्नमेंट है, कौन है इसके पीछे? पता करते हैं हम। फाइंड आउट। कौन हो तुम? किसके लिए काम करती हो? पाकिस्तान के लिए काम करती हूं। आप किसके लिए काम करते हैं? क्या है ये? तो जितना देर से बोलेगी उतना ही मजा आएगा बुलवाने में।
तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं अपने मुल्क में हूं। तुम जाओ, खुदा हाफिज। एक और जासूस है यहां पर, ढूंढो उसे। मिल गया। सुनिए, तहजब। अरे ये, आई एम सॉरी। हमें जासूस मिल गया है। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे देखिए भाईजान, पकड़ा गया है तुम्हारा पार्टनर। गद्दार हैं आप, इसलिए इफ्तिकार साहब आप पर कभी भरोसा नहीं करते थे। उनकी मौत में आप ही का हाथ होगा। तुम जनरल इफ्तिकार को कैसे जानती हो? अरे छोड़िए मुझे, देखिए तो। अरे मैंने क्या किया है? अरे कुछ मैंने तो कुछ। जनाब ये क्या हो रहा है जनाब? मैंने कुछ नहीं किया जनाब, अल्लाह कसम। मैं तो दोस्तों के साथ पान खा रहा था। पान खाना तो अलाउड है। ये है तुम्हारा पार्टनर? मैं इन्हें नहीं जानती पर्सनली, तो मैं भी नहीं जानता। मैंने इनको देखा है, मुजरे में काम कर रही, गाना गा रही थी। जनाब मैंने पहली बार इनका गाना सुना है। मैं तो कभी मुजरा उजरा देखता भी नहीं। मैं तो बारात में आया हूँ रावलपिंडी से, और हमारे अब्बा का बहुत बड़ा जमजम जमजम का होटल है। तेरी जासूसी के दिन खत्म हुए मेरे दोस्त। कभी ना हो गाड़ी पर, कभी गाड़ी ना हो पर। ब्लूबर्ड क्या है? मुझसे सवाल पूछता है, किसने किसको पकड़ा? कल दिल्ली में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अफसोस तुम देख नहीं पाओगे। एक आखिरी ख्वाहिश नहीं देंगे कर्नल साहब? हेलीकॉप्टर चाहिए यहां से निकलने के लिए? एक ठंडा बियर चाहिए। आई एम श्योर आप इंतजाम कर सकते हैं। एक बियर लाके दो, लेकिन बॉटल में मत देना, पेपर कप में देना। बहुत शातिर है साला। और कुछ? आप जूस लेंगे? कराची में है। 10 मिनट में जहांगीर पॉइंट पहुंचना है। तो सही। सॉरी सर, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मिस्टर नवाज विल ब्रीफ।
पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते आप। कोई सबूत है आपके पास? कर्नल हुजैफा ने ब्लूबर्ड नाम लिया था। क्या है ब्लूबर्ड? कर्नल हुजैफा की कल कराची में मौत हो गई, तो आप कैसे कह सकते कि वो इसमें इन्वॉल्व्ड है? मैंने खुद उन्हें बॉम्ब का ऑर्डर देते हुए देखा है। तैमूर पाशा भी वहां था। आप अपना मुंह बंद रखिए। खुद अपने वतन से गद्दारी कर रही हो और दूसरों पर इल्जाम लगा रही हो। द मीटिंग इज ओवर। नो, इट इज नॉट ओवर। अगर ये बॉम्ब दिल्ली में एक्सप्लोड हुआ, देयर विल बी न्यूक्लियर वॉर। 20 मिनट के अंदर हम जवाब देंगे, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तबाह, दोनों देशों में 60 लाख से ज्यादा लोग मरेंगे। अगर आप कहते हैं पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, दिस इज द टाइम टू प्रूव इट। व्हाट इज ब्लूबर्ड? किसी का नाम है, जगह है, क्या है? बिलीव मी, मैं नहीं जानता। मिस्टर खान, आपको यह लाने से मेरा कोर्ट मार्शल हो सकता है, मगर लाखों लोगों की जान भी बच सकती है। कंट्रोल रूम, 10 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड 2 रोमिंग, 4,000 कैमराज लगे हुए हैं दिल्ली में, सब कुछ दिखता है। इनमें से एक कैमरा में आपकी बेगम साहिबा भी दिख रही होंगी, जिन्होंने अभी अभी आपके बच्चों को स्कूल छोड़ा है। ऐसी बहुत सारी माएँ हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, जो करीब 4 घंटों में तबाह हो जाएंगे। मैं मानता हूँ मिस्टर खान कि आप नहीं जानते, मगर पाकिस्तान में, ISI में और आपकी एम्बेसी में कोई तो होगा जिसे मालूम है। प्लीज़ पता कीजिए। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूट मार, भट रहे हैं बम। चाय पियोगे? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। देखिए, ये टर्म मुझे कभी समझ में नहीं आता। हमारे कुछ दोस्तों का एक ग्रुप है, स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। इसमें टॉप बैंकर्स, ऑयल मैग्नेट्स, मीडिया पर्सनालिटीज, पॉलिटिकल फिगर्स, इवन एन एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। जी, और लगभग पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर आपके ग्रुप का कंट्रोल भी है। शायद आप जो कह रही हैं वो सही है, बट दीज इमेंस रिसोर्सेज, इसका अगर सही तरह से इस्तेमाल हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। Governments have their own agenda, their own programs, but at the end of the day, it's the individual that matters. ब्लूबर्ड लश्कर का सेफ हाउस है और प्रोफेसर यूसुफ मालिक का घर आशियाना बंगलो, खिलजी रोड, बीएन कुतुब कॉम्प्लेक्स। हम वहां रेड नहीं कर सकते सर, अगर उन्होंने ट्रिगर दबा दिया तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक रास्ता है। प्रोफेसर मालिक जी, मैं इरम परवीन बिलाल, मुझे कर्नल से मिलना है। किसे? आप गलत जगह आ गई हैं। प्लीज इरम, पिछले साल लंदन बॉम्बिंग्स, कर्नल यहाँ है कि नहीं? आइए। कर्नल ने कुछ बताया नहीं आपके? कहाँ है वो? वो बस स्टॉप तक गए हैं, आते ही होंगे। कितनी दूर गए हैं? आ जाएंगे।
पियोगी ना? जी शुक्रिया। खड़ी क्यों है? तशरीफ रखिए। I'm fine. Thank you. मैं बिस्किट लेकर आता हूं। वो पुलिस से मिली हुई है प्रोफेसर। खत्म कर दो उसे। फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा। नहीं, आप रहने दे, मैं कर लूंगा। अभी फोन कॉल्स यहां से बंद हो चुके हैं। परिचौक नोएडा, आई एम सेंडिंग ए चॉपर। जिमी, बस से इसी वक्त निकलो, टारगेट तक अपना रास्ता खुद ढूंढो। नहीं, मैं जब तक ना कहूं टाइमर को छूना मत। बिस्लेरी ने मार्केट पकड़ी, कुए हैंड पंप भूल गए। कहां जाना साहब? जान पर चलो। 200 रुपए लगेंगे। चलो। बैग में क्या है? कुछ नहीं, देख सकता हूँ। बॉल ट्रायंगुलेट हुआ है नोएडा में, सेल टावर 26D। कमा कितनी दूर है यहाँ से? 5 मिनट। हटो पीछे, हटो हटिया भाई पीछे। सीधे जाना है, आप लोग उतर। एक बार बैठ गए तो बैठ गए, यूटर्न ले। मैं बता रही हूँ, बड़ा स्मार्ट पीस है। उसमें यार मोटे लगते हैं, अपने को तो सारे। मैं तो बड़ी स्मार्ट लगती हूँ। लग रहा है ये बंदा
अरे भैया कहाँ ले रहा है? पीछे ले, यू टर्न ले। एक बार कह दिया ना, यू टर्न नहीं ले। अरे बहरा है क्या? अरे आप लोग उतर जाओ ना। अरे क्यों उतर जाओ? सिग्नल पे उतर जाओ। तो मैं अभी सही करवाती हूँ इंस्पेक्टर साहब से। इंस्पेक्टर साहब, अरे क्या हो रहा है? अरे उतर जाओ ना। अरे क्या बात हो गई, जो शोर मचाने लगे? क्या बात है? दबाने का मौका मत देना। Shoot if you get a headshot. Only if you get a headshot. White view flyover में घुस गया है। One way में उल्टा घुस गया है। अरे हमारे पास नहीं सब रात। सर मेटला यहाँ पे आए हुए हैं इसलिए बाहर बहुत भीड़ लगी है सर। Lovely to meet you. Yes, certainly. Dr. Ruby? सर मेटला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ किसी चैरिटी फंक्शन के लिए आए हैं? मैं चैरिटी नहीं करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लेट हो रहे हैं, कम। Nice seeing you. Yes. अरे हटा इस ट्रैफिक को सुरेंदर, हटा सबको। अरे अगर ड्राइवर की लाश मिली। Schedule time for the helicopter to leave. We should go around. It's really getting late now.
सर एक टेक्निकल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया लेकिन हमें तुरंत चलना चाहिए। ओके लेट्स गो। आई थिंक अबाउट इट। वो पायलट कर्नल है। आइसक्रीम पार्लर में हूँ। निरुलास, 9 मिनट बचे हैं, मैं आपको फिर फोन करता हूँ। Everybody out. Get out! मिल गया है। पासवर्ड मांग रहे हैं सर। कॉपर माइन में 2000 फीट गहरा गड्ढा है, क्रैश कर दो उसके अंदर। रोजर दैट सर। It was a privilege serving with you, my boy. Jai Hind, sir.
रिक्वेस्टिंग पर्सनल टाइम, मुझे एरम से कनेक्ट कीजिए सर। I know that. Iram, it's Vinod. Iram! Tum kahan ho Vinod? Is everything okay? Under control. Tum theek ho? I'm not gonna make it, Vinod. Kya hua? That bastard shot me. Kahan lagi hai goli? How bad is it? Liver mein 2 bullets lagi hai. Last lot of blood. Tum yahan aa sakte ho? Please. Kya hua? Aa sakte ho? मैं हेलीकॉप्टर में हूँ, बम के साथ। शहर से जितनी दूर ले जा सकता हूँ ले जा रहा हूँ। Why can't we defuse the bomb? पासवर्ड जो मेरे पास नहीं है। Listen to me, Iram. मैंने तय किया था कि किसी भी तरह मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जो तुम्हें चाहिए। जानती हो पासवर्ड क्या है? उसके माँ का नाम जानती हो? उसने खुद मारा था उसे। क्या? कौन? जिल्ले। जिल्ले। जिल्ले, जिल्ले। कौन जिल्ले? कौन? इरम? उस क्यूट का नाम। जिल्ले। स्पेल इट। कैन यू स्पेल इट? इरम। We did it! Did it, baby! ऐसी दुनिया चाहती थी जहां ये रुबायत सिर्फ नज़मों की किताब हो। शायद अब तुम उसी दुनिया में हो। कर्नल की बॉडी से यह मिला है, शायद उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। चेक इट। इस आदमी को हम छू तक नहीं सकते, हमारी पहुंच से बहुत दूर है ये, और कोर्ट में कुछ भी साबित करना नामुमकिन है। अगर इसे कुछ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह, चीयर्स।
48 घंटों में लश्कर के कई ट्रेनिंग कैंप्स और स्लीपर सेल्स पर पाकिस्तान आर्मी ने रेड किए हैं, जिसमें 200 से भी ज्यादा ऑपरेटिव्स मारे जा चुके हैं और करीब 600 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन रेड्स ने लश्कर जैसे कई आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ी। सही, मैं कौन हूँ ये मत पूछो, मेरी बात ध्यान से सुनो। दिल्ली में जो हुआ उसके पीछे कौन था मैं जानता हूँ। फ्रेडी खंबा था। एजेंट विनोद सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। Am I making myself clear? Yes. आज सबसे एक्टिव ग्रुप लश्कर है। बस ये उस ग्रुप को कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। No comebacks. मैं तो अपने पैरों के निशान मिटा दूंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि काम खत्म होने के बाद आप मुझे जिंदा छोड़ेंगे? तुम्हारे बैंक अकाउंट में 25 million euros होंगे। तुम उसको संभालो, हमें दुनिया संभालना है। Cheers. Cheers. क्या है ये, मुझे क्यों दिखा रहे हो? मेरी पोती यूट्यूब में ऐसे वीडियोस मुझे दिखाती है। स्मार्ट आइडिया, दिल्ली में बॉम्ब एक्सप्लोड करते आप और दुनिया को लगता है ये लश्कर जैसे किसी टेररिस्ट ग्रुप का काम है, इसीलिए कर्नल ने अबू कजान, जिमी और हुसैफा जैसे लोगों का इस्तेमाल किया। हर जगह जिहाद का झंडा गाढ़ा, दोनों देशों के बीच जंग छेड़कर अरबों कमाते आप। Fascinating theory, Agent Vinod. पर इसे यहाँ क्यों लाए हो? प्रेस में उठा लो, कुछ दिनों के लिए काफी मजा आएगा। But now, you must excuse me. मुझे एक function attend करना है। The Zeus Group. आप और आप जैसे महान बिजनेसमैन, सेनेटर्स, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, सुना है आप लोग जब भी मिलते हैं तो दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ अजीब जरूर होता है। प्लेन क्रैश में किसी प्रेसिडेंट की मौत, एक छोटे से देश में अचानक सिविल वॉर, न्यू दिल्ली में न्यूक्लियर ब्लास्ट। वाओ, वाओ एजेंट विनोद, वाओ। तुम सोचते हो तुम्हें सब कुछ पता है, पर मैं तुम्हारी नॉलेज को जरा पढ़ाना चाहता हूं। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, पर असली धमाका होता है न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, हांगकांग, बीजिंग के स्टॉक एक्सचेंजेस में। स्टॉक शॉर्ट करके आप तो अरबों कमाते हैं, मगर दोनों देशों में जो लाखों मरते हैं उनका क्या? जानते हो स्टॉक मार्केट क्रैश से चीन का क्या हश्र होता, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे नेटो कैसे कब्जा कर लेता, ईरान का पाइपलाइन सिचुएशन कैसे सुलझा जाता? ये सब कॉम्प्लेक्स मामले हैं, तुम पुलिस वाले हो, तुम्हारी समझ के बाहर है। आपको मरना होगा सर मिटला, आज ही। तुम मुझे मारने के लिए आए हो? मैं आपको नहीं मारूंगा सर, आप मेरे देश में हीरो हैं और आप हीरो की मौत मरेंगे। आपके नाम से सड़कें बनेंगी, स्टैम्प्स इश्यू होंगे, अमर चित्र कथा लिखी जाएगी। गुड बाय सर। Sir Michael will be back soon. Won't you sit down? Sir. A coffee, please.
What's he doing? Second cup of coffee, sir. समेकला, सईद कौसर ने सलाम भेजा है। कौन? लश्कर का सलाम। Jageshwar Mithla has been assassinated. What appears to be a suicide bombing in central London. Sir Mithla was on his way to facilitation by the Indo-British Chamber of Commerce. Initial reports state that Sir Mithla had been seen talking to a South Asian man seconds before the explosion. It appears that Sir Mithla was killed by the same terror group that planned a nuclear attack in New Delhi. It was Sir Methla's heroic intervention that thwarted that well-laid plan. Our correspondent, Marge Atkins, is at the site. Tell us what is happening. यह है तुम्हारा नाम। खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला का टाका भीड़ा है।